चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो बच्चे बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 1 से 10 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन परफेक्ट कंपटीशन? ए ए आर, बी एम आर, सी ए आर तथा एम आर दोनों, डी है नन ऑफ दीस। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ए आर और एम आर दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्योर कंपटीशन? ऑप्शन ए है बाजार का पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। बी है साधनों की पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। सी है उत्पाद की एकरूपता, होमोजेनिटी बाय प्रोडक्ट्स। डी है ऑल द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल द एबव, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? ऑप्शन ए है क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। बी है वस्तु की समरूप इकाई। सी है बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। डी है उपर्युक्त सभी, ऑल द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 14, एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज गिवेन बाई। ऑप्शन ए है हिक्स, बी है चैम्बरलिन, सी है श्रीमती रॉबिन्सन और डी है सैमुएलसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चैम्बरलिन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? ऑप्शन ए है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। बी है वस्तु की एकरूपता। सी है विज्ञापन तथा विक्रय लागतें, एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। डी है बाजार का पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विज्ञापन तथा विक्रय लागतें, एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? इन विच मार्केट इज एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू? ऑप्शन ए है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। बी है अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। सी है अपूर्ण प्रतियोगिता, इनपरफेक्ट कंपटीशन। डी है मोनोपोली, एकाधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आय और सीमांत आय दोनों ही बराबर होती है, मतलब ए आर इज इक्वल टू एम आर। क्वेश्चन नंबर 17, वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। There is inverse relation between price and demand for the product of a firm under. Option A है केवल एकाधिकार का, only monopoly. B है केवल एकाधिकार प्रतियोगिता, only monopolistic competition. C है एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों, both under monopoly and monopolistic competition. डी है केवल पूर्ण प्रतियोगिता, ओनली परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है।
ऑप्शन ए है केवल एकाधिकारी प्रतियोगिता, ओनली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बी है केवल अल्पाधिकार, ओनली ओलिगोपोली। सी है एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों, बोथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। और डी है एकाधिकार मोनोपोली। क्वेश्चन नंबर 19, समरूप उत्पाद विशेषता है। ऑप्शन ए है केवल पूर्ण प्रतियोगिता, ओनली परफेक्ट कंपटीशन। बी है केवल पूर्ण अल्पाधिकार, ओनली परफेक्ट ओलिगोपोली। सी है ए और बी दोनों। और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एवब। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल पूर्ण प्रतियोगिता, ओनली परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 20, किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। इन विच मार्केट डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज परफेक्ट इलास्टिक। ऑप्शन ए है परफेक्ट कंपटीशन, बी है मोनोपोली, सी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और डी है ओलिगोपोली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।